इतनी वक्त में से ताहिर निकाल कर, क्योंकि आज का जो दिन है ईद का दिन भी कह सकते हैं और लास्ट वर्किंग डे भी था, तो ज़्यादा दोस्तों को बुलाया भी नहीं था, सिर्फ मखसूस के जो वाले साहब के करीबी दोस्तों में से थे, ताकि वो हम बैठ के जो एक उनकी याद को ताज़ा करेंगे। लेकिन फिर भी माशाल्लाह मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बहुत बड़े भाई मेरे मौसिन, और मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ, सीख भी रहा हूँ। मोहतरम शाहिद कादिर साहब जो कि डायरेक्टर शायर चल रहे हैं जिला पंजाब के, बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने कीमती वक्त से आए। फिर मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे वालिद साहब के बड़े कीमती दोस्तों में से हैं, और पंजाब में बड़ी जो है वो मजबूत शख्सियत भी हैं माशाल्लाह, जो है वो सरकारी हवाले से एक बड़ा नाम है उनका, और वो हॉस्पिटल में वो एम एस रहे और डी जी एम पंजाब रहे, और उन्होंने अपने जो है वो सहायतों से और अपने मेहनत से जो है वो हेल्थ के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की और लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला जिसकी वजह से। तो डॉक्टर जायद को मेरे साथ मेरे बुजुर्ग हैं और अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। उसके बाद मेरे बुजुर्ग और मेरे वालिद की जगह पर भी हैं और मेरे पीर साहब भी हैं, मेरे चेयरमैन भी हैं कंट्रोल कमेटी पाकिस्तान के मौलाना रजीउल्ला खान हज़ारी साहब, तो माशाल्लाह उनकी सरपरस्ती के लिए भी मैं बहुत मशहूर हूँ। और उसके बाद फिर मौलाना शुक्रवार नासिर साहब हैं जो कि मरकजी रहनमा जमात पाकिस्तान के, ये भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं मुस्लिम हवाले से, ये भी वालिद साहब के पुराने दोस्तों और साथियों में से हैं, इनका भी नहायत शुक्र हूँ मैं। उसके बाद राना एजाज रसूल साहब हैं जो कि हमारे सियासी रहनमा हैं और बड़ी एक अच्छी शख्सियत है अपने इलाके की। और उसके बाद जो है मेरे एक ऐसे उस्ताद हैं जिनका हाथ मेरे वालिद साहब ने अपने लाइफ में उनके हाथ में दिया था, कि आपने उसको और मैंने उनसे शोबा साहब ने बहुत कुछ सीखा है, और अखबार की जितनी भी प्रेम की नहीं है उन्होंने मुझे सिखाई है, बड़ी शफकत दी है। डॉक्टर नदीम खान भट्टी साहब हैं माशाल्लाह, चार अखबारों के मालिक हैं, साथ में टीवी के भी मालिक हैं, और मोहब्बत बड़ी शफकत करते हैं मुझे, इन्होंने एडिटर बनाया हुआ है क्राइम सेल का। और उसके बाद मेरी बड़ी प्यारी आपकी मेरी बहन मोहतरमा तहमीना राना साहिबा जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं यूएनओ की, ये जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन है उसकी, तो उनका भी मैं नहायत मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आकर मुझे इज्जत बख्शी। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि जो दोस्त आए हैं उनका ज़्यादा हक है, तो मैं सबसे पहले जो है गुजारिश करूँगा डॉक्टर जायद परवेज साहब से कि वो स्टेज पर आए और साहब के बारे में कुछ जवाब दें।